प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार रखेंगे। तो वहीं कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय युवा मामले तथा खेल मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है, जो कि मतदान करने का अधिकार रखते हैं और आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं में शामिल होने वाले हैं। एनवाईपीएफ की अवधारणा प्रधानमंत्री के 31 दिसंबर 2017 के संबोधन में व्यक्त किए गए विचार पर आधारित है। चलिए अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रीत, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हर वर्ष मनाया जाता है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, युवा संसद समारोह को संबोधित करेंगे, क्या पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह जिस तरीके से 12 से 16 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का समापन किया जाता है, इस साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने समापन संबोधन से इसका समापन करेंगे। इसके शुरुआत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन संबोधन दिया था। तमाम जो युवा देश के हैं वो जिस किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं का महत्व रहा, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हो, चाहे वो मिस इन इंडिया हो या फिर रोजगार, उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले अपने संबोधन में कहा था। आज भी इस महोत्सव में हालांकि जोर इस बात का दिया जाता है कि जो वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं 18 से 25 साल के, वो अपने विचार रखें और तमाम जो युवा हैं उन युवाओं के विचारों को सुना जाए। कार्यक्रम में जो सेंट्रल हॉल में होगा संसद भवन के, कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय हर्षवर्धन वो भी मौजूद रहेंगे, किरण रिजिजू लोकसभा अध्यक्ष भी, क्योंकि संसद परिसर में कार्यक्रम है, ऐसे में संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन होगा वो वर्चुअल होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे अपना संबोधन देंगे। प्रीत, इसके अलावा 3 जो राष्ट्रीय विजेता हैं वो भी कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखेंगे, क्या विचार वो साझा करेंगे, अपने अनुभव वो या साझा करेंगे? क्योंकि पहले जब 2017 में ऐसा ही एक संसद युवा संसद का कार्यक्रम हुआ था, नरेंद्र मोदी ने जो अलग विचार रखे थे युवा शक्ति को लेकर के, क्या उसके अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे जो राष्ट्रीय विजेता है तीनों? जी बिल्कुल, अपने अनुभव जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से इंस्पायर हुए वो तीनों जो हैं जो राष्ट्रीय विजेता हैं अपने विचार रखेंगे। साथ में ही ये भी उम्मीद की जाती है कि तमाम जो युवा वर्ग है उनके विचारों को जिस तरीके से उन्होंने देश में नाम कमाया, आज किस तरीके से युवाओं को तमाम जो युवा हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको प्रेरित किया, ये किस तरीके से उनका अनुभव रहा, वो तमाम चीजें जो है आज अपने संबोधन में जो तीनों राष्ट्रीय विजेता हैं वो संबोधित करेंगे और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि तमाम जो युवा वर्ग है वो उसको उनके संबोधन को सुनेगा। मौका होता है जब तमाम जो युवा वर्ग है उनके अनुभवों को साझा करने का दिन होता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है इसी उद्देश्य से हर साल आयोजित किया जाता है देश। चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।